158 करोड़ की लागत वाली सिमरिया माइक्रो सिंचाई परियोजना का हुआ भूमि पूजन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सिमरिया विधानसभा के उत्तरी एवं दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र की अधिकांशतः बंजर पड़ी जमीन और वहां के अन्नदाताओं के लिए जीवनदायिनी कही जाने वाली 158.06 करोड़ रुपए की लागत से अति महत्वपूर्ण सिमरिया माइक्रो इरिगेशन परियोजना का सिमरिया क्षेत्र के हरदुआ चौराहे पर मुख्य अतिथि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल, कार्यक्रम अध्यक्ष रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा और विशिष्ट अतिथि सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी ने भूमि पूजन किया। सिमरिया माइक्रो इरिगेशन की महत्वता को वहां क्षेत्र की उपस्थित हजारों की भीड़ में उपस्थित जनता के चेहरों की खुशी को देखकर सहज ही समझा जा सकता था। अन्नदाताओं के चेहरे खिले हुए थे। कार्यक्रम में उपस्थित हजारों की संख्या में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि आज सिमरिया को इतनी बड़ी सौगात जो मिली है वो विधायक केपी त्रिपाठी की कठिन मेहनत और लगन का ही सुखद परिणाम है, जिसके फलस्वरूप सिमरिया के लगभग 10,000 हेक्टेयर असिंचित भूमि में बिहार बैराज से पानी को लिफ्ट कर पंप हाउस का निर्माण करते हुए पाइप का जाल बिछाकर खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा और पानी मिल जाने पर हमारे अन्नदाता उन्हीं खेतों से लहलहाती हुई फसलें उगाकर सिमरिया को समृद्ध बनाने में अपना योगदान देंगे, जिससे सिमरिया माइक्रो सिंचाई परियोजना इस क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। बाणसागर की नहरों से रीवा समृद्धशाली हुआ है। सिमरिया के किसानों के खेतों में भी पानी पहुंच जाने से यहां की तकदीर व तस्वीर बदलेगी और यह क्षेत्र विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि सिमरिया क्षेत्र में बसामन मामा की कृपा व गौ माता के आशीर्वाद से विकास के अनेकानेक कार्य विधायक केपी त्रिपाठी करा रहे, जिसके लिए वह साधुवाद के पात्र। श्री शुक्ल ने कार्यक्रम स्थल हरदुआ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा की स्थापना करने व चौराहे का नाम वल्लभ भाई पटेल चौराहा करने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी। कार्यक्रम में रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि रीवा जिले के विकास में मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल का योगदान अतुल्यनीय है और जिस प्रकार से देश में रीवा के विकास की चर्चा हो रही है, उसी प्रकार से मरिया विधानसभा क्षेत्र में विधायक केपी त्रिपाठी ने कड़ी मेहनत करते हुए यहां के विकास में बहुत काम किया है। चुनाव परिणाम आने के बाद पहले तो कांग्रेस की सरकार बन गई। कमलनाथ ने सभी योजनाएं बंद करके पैसे के लिए रोना शुरू कर दिया और 15 महीने बाद भाजपा की सरकार बनते ही दुनिया की सबसे बड़ी महामारी कोरोना आ गई, जिस कारण केपी त्रिपाठी को सिर्फ 2.5 साल ही काम करने का मौका मिल पाया। फिर भी जनता की सेवा का जो जज्बा केपी त्रिपाठी ने दिखाते हुए विकास के आयाम गढ़े हैं, उससे यह कहने पर कोई गुरेज नहीं कि रीवा की सभी विधानसभाओं में सबसे ज्यादा काम केपी त्रिपाठी ने किया है। सांसद ने बताया कि केंद्र व राज्य सरकार के प्रयासों से संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। उन्होंने सिमरिया के विकास में लोगों से सहयोग का आह्वान किया। अपने स्वागत उद्बोधन में सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी ने कहा कि विधानसभा भ्रमण के दौरान सिमरिया के उत्तरी एवं दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र के भौगोलिक स्थिति के कारण खेतों में सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलने पर अन्नदाताओं के चेहरों की उदासी देखकर मैं मन हमेशा खुद से संकल्प लेता था कि मुझे इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी पहुंचाकर इन अन्नदाताओं के मुरझाए चेहरों पर हर हाल में खुशी लानी है और आज मेरे संकल्प के पूरा होने का शुभारंभ किया जा रहा है। केपी त्रिपाठी ने कहा कि समूचे विंध्य के साथ साथ प्रदेश में भी विकास का पर्याय बन चुके हम सबके नेता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल जी जैसे स्वप्न दृष्टा ने बाणसागर परियोजना को गति देकर समूचे रीवा में पानी उपलब्ध कराकर यहां के किसानों को समृद्ध करने का जो पुनीत कार्य किया है, उसी बाणसागर का पानी अब इस क्षेत्र में पाइपलाइन द्वारा खेत खेत तक पहुंचाया जाएगा और इस क्षेत्र में भी अन्नदाताओं के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा और हमारी सिमरिया विकास व समृद्धता के साथ वैभव को प्राप्त करेगी एवं इस परियोजना के बन जाने से सिमरिया की तकदीर व तस्वीर बदल जाएगी। केपी त्रिपाठी ने बताया कि सिमरिया क्षेत्र के गांव गांव के घर घर तक नल से जल पहुंचाने में रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा जी का बहुत बड़ा योगदान है और सिमरिया के विकास में उनका मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने रीवा जिले के लिए केंद्र से नल जल योजना स्वीकृत कराई, जिससे सिमरिया क्षेत्र में 71 पानी की टंकियां बनाकर हर घर को नल से जल मिलने का कार्य भी प्रगति पर है। बसामन मामा गौवंश वन विहार का लोकार्पण करके आ रहे हैं। आपको मालूम है कि 2018 से उस इलाके में एक ऐसी गौशाला बन जाए, ऐसा गौ अभ्यारण बन जाए जहां पर 100 200 500 हजार नहीं बल्कि 10,000 गौ माताओं को रखा जा सके, इस पर हम लोग काम कर रहे थे और ये प्रेरणा बसामन मामा के माध्यम से
जो बसामन मामा जो हमारा आस्था का केंद्र है, जहां पर केपी त्रिपाठी जी ने वहां के मंदिर को बिल्कुल नया स्वरूप देने का काम शुरू कराया, वहीं से प्रेरणा मिली थी। क्योंकि हम लोग सुनते थे कि बसामन मामा ने एक बार कहा था कि ये इलाका एक दिन गौओं की चंदोई होगी और 500 साल के बाद काल का चक्र ऐसा घूमा कि 10,000 गायों का वो एक तीर्थ वहां पर बन के आज तैयार हुआ, जिसका हम लोग लोकार्पण करने आए हैं। मैं हमेशा ये मानता हूं कि यदि हम अपने देवस्थलों का विकास कर दें, यदि गौ माताओं का व्यवस्था कर दें, तो उस क्षेत्र में कभी भी गरीबी और बेरोजगारी रही नहीं सकती। और देखिए उधर वो काम पूरा हुआ और आज सिंचाई के लिए 150 करोड़ रुपए की योजना का भूमि पूजन करने का मार्ग प्रशस्त हो गया। ये चमत्कार हमारे बसामन मामा के कारण और गौ माता के कारण, और इतना ही नहीं, रीवा से सिरमरिया की बात अभी आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी कह रहे थे। अब कौन सा मोड़ है जहां तक ये रीवा से रोड आ रही है, गोदहा मोड़ से लेकर रीवा के बीच में देखिए 150 करोड़ किस रोड मंजूर हुई, किसने कराया? ये हमारे केपी त्रिपाठी जी ने मंजूर कराया, क्योंकि मुझे मालूम है कि कांग्रेस की सरकार जब बनी थी तो ये रोड निरस्त हो गई थी। 2018 के पहले इसको मंजूर कराने का काम किया गया, लेकिन कांग्रेस की सरकार आई तो इसको निरस्त कर दिया। फिर जब भाजपा की सरकार आ गई, जिन्होंने आपकी रोड बसामन मामा की रोड को निरस्त किया, कमलनाथ की सरकार को बसामन मामा ने निरस्त कर दिया। और फिर भाजपा की सरकार बन गई तो केपी त्रिपाठी हमारे पास आए कि वो रिवर के सिमरिया वाली रोड मंजूर निरस्त कर दिया था, आप फोन कर दीजिए कम से कम मंजूर हो जाए दोबारा। हमने बात किया, मुझे आश्चर्य हुआ कि सरकार बनी नहीं कि सबसे पहले केपी त्रिपाठी ये रोड का मंजूर करावे आए। और अभी बसामन मामा के मोड़ से लेके वो कौन सी रोड है 100 करोड़ मंजूर हुई है, वहां से घूमते हुए बसामन मामा गोबन से होते हुए भमरा और एक और 95 करोड़ की शाहपुर से बैकुंठपुर, ये रोड जब मंजूर हुई तो मैंने देखा बजट में किताब, तो हमारे यहाँ के भी कुछ काम थे, हमने कहा कि हमारे 5 काम में 2 काम ही मंजूर हुए, वो भी 15-15, 20-20 करोड़ के, ये सिमरिया में 95-95 करोड़ के 2 काम कैसे मंजूर हो गए। तो हमने इनको बुलाया, हमने कहा ये कैसे मंजूर, ये तो बड़ा काम हो गया, कैसे हो गया? तो कहीं कि हम दे आए थे मुख्यमंत्री के यहाँ एक बार और मालूम नहीं था कि हो जाएगा, हो गया। हमने कहा कितनी बार कोशिश किया था, कहीं गए तो 5-6 बार रहन की वजह दिया है वो हो जाए, 5-6 बार प्रधान मुख्यमंत्री के निवास में जाकर केपी त्रिपाठी ने लिया, लेकिन जाते बहुत लोग हैं बहुत बार लेकिन मंजूर नहीं होता। ये तो बसामन मामा की कृपा है, ये गौ माता की कृपा है। आप ये समझिए कि जो काम इन्होंने कर दिया है उस चाहे वो मंदिर का हो चाहे गौ माता का हो, अब सिमरिया क्षेत्र विकास के मार्ग पर लगातार आगे ही बढ़ता रहेगा, आगे ही बढ़ता रहेगा, कोई ताकत सिमरिया के विकास को रोक नहीं सकती। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।